प्यारे बच्चों, आज फिर हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं और चैप्टर है नाभिक। पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिए, नोट कीजिए। ये क्लासरूम टीचिंग की तरह मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, जैसे आप क्लासरूम में बैठे और न्यूमेरिकल में आपको डिक्टेट कर रहा हूं। तो पहला न्यूमेरिकल नोट कीजिए, परमाणु भार 8 वाले तत्व की नाभिक त्रिज्या की गणना कीजिए। हमें क्या दे रखा है, पहला प्रश्न है हमारे पास, हमारे पहले प्रश्न में दे रखा है हमें परमाणु भार 8 वाले नाभिक की क्या निकालनी है, नाभिक की त्रिज्या। हम जानते हैं एक सूत्र होता है R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। हमें यह भी पता है आर नॉट हमारा 1.2 फर्मी है, यह निश्चित मान होता है, हाइड्रोजन का होता है सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा नाभिक होता है उसके लिए होता है। तो आर आर नॉट कितना हो गया 1.2 8 की घात 1/3 फर्मी, 1.2 की घात 3 1/3 फर्मी, 3 से 3 कट गया 2 फर्मी, कितना आ गया 2.4 फर्मी आर। इतनी त्रिज्या आ गई किसकी, 8 परमाणु तत्व वाले की। क्वेश्चन 2 भी यहीं पे हो जाएगा, प्रश्न 2। तो ये सूत्र होता है R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 3, ए परमाणु भार होता है, 8 रखा है यहां पे, 2 की घात 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 बचा, 1.2 × 4 2.4 फर्मी। दूसरा न्यूमेरिकल नोट कीजिए, 10 मिलीग्राम द्रव्यमान के बराबर ऊर्जा क्या होगी। फिर सुनो, 10 मिलीग्राम द्रव्यमान के बराबर ऊर्जा क्या होगी। तो हमारे पास m कितना है, 10 मिलीग्राम, पहले तो इसे ग्राम में बदल लेते हैं, 10 × 10⁻³ ग्राम, फिर से किलोग्राम में बदलेंगे, 10 × 10⁻³, 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं, कितने होते हैं किलोग्राम, तो कितना आ गया 10 × 10⁻⁶ किलोग्राम। हमारे पास प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आइंस्टाइन का ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा सूत्र है, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा M कितना हो गया 10 × 10⁻⁶, सी 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, 10 × 10⁻⁶ 9 × 10⁻⁶ जूल, ठीक। तो कितना हो गया 9 × 10⁻⁶ −6 + 1, ये 10वीं इधर आ गया, 9 × 10⁻¹ जूल। कितना आ गया ये 9 × 10⁻¹ जूल। तो ये बहुत साधारण से क्वेश्चन थे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं द्रव्यमान क्षति पर। द्रव्यमान क्षति आप जानते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक की रचना करते हैं, तो जब नाभिक की रचना करते हैं तो नाभिक का द्रव्यमान जो होता है किससे कम हो जाता है, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम हो जाता है। इस द्रव्यमान के अंतर को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसकी गणना करेंगे अभी मैं एक न्यूमेरिकल में, आपको न्यूमेरिकल रूप में भी समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे ने
थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है बेटा, वो चैप्टर पूरी उस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वीडियोस में चले जाइए, वहां पे आपको संपूर्ण इकाई एक से इकाई नौ तक का सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध है, देखिए और ज्ञान अर्जन कीजिए। लिखिए क्वेश्चन थर्ड, 8O16 ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, का परमाणु द्रव्यमान 15.99491 एमयू है, एटॉमिक मास यूनिट है। इसकी बंधन न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 8O16 का परमाणु द्रव्यमान 15.99491 एमयू है, इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें और भी दिया है, क्या क्या दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 एमयू। हमें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है कितना है, 1.00867 एमयू। देखो साहब, हमारे पास तत्व है 8O16, ये इसका परमाणु भाग, परमाणु क्रमांक है, क्या है इसका, ये परमाणु क्रमांक है, ये इसका क्या है, परमाणु भार है। तो जेड कितना हो गया हमारे पास, 8, ए कितना हो गया हमारे पास, 16। सूत्र क्या होता है, डेल्टा एम जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो डेल्टा एम कितना हो गया, 2 गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.00728 प्लस 4-2 इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867 माइनस नाभिक का द्रव्यमान कितना है आपके पास, 8, मैं 2 लिख रहा हूं, कहां है दिमाग मेरा, ये 16-8, ठीक, 15.99491। अब इन्हें गुणा करेंगे, इनको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा अंदर का द्रव्यमान हो जाएगा 16.127060 माइनस 15.99491 किस में आएगा, ये एमयू में। तो जब माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0.13269 एमयू। ये क्या आ गया, आपकी द्रव्यमान क्षति आ गई। अब आपको बंधन ऊर्जा निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम कितना हो गया, 3269931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप उसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 123.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे बेटे, बंधन ऊर्जा है तो ये क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा बटे परमाणु भार, 123.53 बटे कितना है, 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियॉन। तो कितनी आएगी सॉल्व करके, 7.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए
पूरे डिटेल में आपको समझा दिया कि आपने वीडियो भी नहीं देखी तब भी आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। जो बच्चा पहली बार मेरे न्यूमेरिकल की वीडियो देख रहा है, बेटा न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा रहे हैं, और आपकी क्लास 12 का पूरा सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध है, इकाई एक से इकाई नौ तक। अगर मेरा यह पढ़ाना आपको पसंद में आ रहा है तो बेटे मेरे वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए ना, लाइक कम आते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ना। बिल्कुल साधारण और सरल तरीके से आपको न्यूमेरिकल समझा रहे हैं, उनको भी समझ में आ जाए, उनका भी बेड़ा पार हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।